मोदी सरकार के कार्यकाल के आज 9 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसी कड़ी में उत्तराखंड पहुंची कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद डॉक्टर एमी याग्निक ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। एमी याग्निक ने कहा कि सरकार 9 साल पूरे होने का जश्न मनाए, लेकिन कांग्रेस के सवालों का भी जवाब दे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में करोड़ों युवाओं का रोजगार छीनने में मोदी सरकार विश्व गुरु बन गई है। ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में किसानों की आय दुगनी नहीं हुई? ऐसा क्यों है कि अदाणी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया गया? ऐसा क्यों है कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है? मैंने पूरे सवाल 9 के 9 आपको बता दिए। अभी BJP ऐसा कहती है कि 9 साल बेमिसाल। पहले आप एक बात समझ लो कि पहले तो ये पता नहीं कहाँ से ये प्रास बिठा के कहीं ना कहीं कुछ लेके आते हैं। कौन से बेमिसाल हैं, कितनी विमेन सेफ्टी के केसेस हैं, कितने दुष्कर्म के केस हैं, क्या हाथरस कठुआ पे उन्होंने जवाब दिया? विमेन एंड चाइल्ड डेवलप मिनिस्टर कभी वो जंतर मंतर पे अपनी बेटियाँ बैठी है एक लफ्ज निकाला? हम प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि चुप्पी तोड़िए, तो ये सारी विमेन मिनिस्टर्स हैं BJP की, क्या कोई को अपनी बेटियों के लिए थोड़ा भी वो नहीं है कि एक बार जाके बोले? इंडिपेंडेंस नहीं है उनको बोलने की, और दिल से नहीं आता है कि अपनी बेटियां हैं? तो ये बेमिसाल कहाँ से हुआ, पहले तो वो खंडन करती हूँ मैं, कोई बेमिसाल नहीं है। हाँ, वो ठीक है, वो राज कर रहे हैं, पर राज करने का मतलब ये लोकशाही है, उनको लोकतांत्रिक तरीके से राज करने का होता है। 17 साल से राज हो रहा है, कभी इतना नेग्लिजेंस नहीं है कि भाई तुम जवाब दे ही ना को, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, तुम जवाब ना दो। इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई बढ़ रही है, आसमान छू रही है। आप मिडिल क्लास में जो जितने को हम लेके आए, हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसी की वजह से जितने लोग 25 करोड़ लोग गरीब तबके से बिलो पॉवर्टी लाइन से देयर गॉन टू मिडिल क्लास, वो 27 करोड़ वापस आ गए। और आपको, मुझे लगता है कि जिसने भी ये बोला BJP ने कि 9 साल बेमिसाल, मुझे लगता है उनको इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हो, क्यों पढ़ाई नहीं दे सकते आप? उनको शिक्षा नहीं दे सकते आप? स्वास्थ्य नहीं दे सकते आप? उनको इतना काबिल नहीं बना सकते कि वो अपना अनाज खुद लेने जाए? क्या इतनी मजबूरी है और इतना धनबल है आपके पास? तो हर जगह आप सरकार, चुनी हुई सरकार, जो लोग अपने देशवासी चुनते हैं उनको तोड़ देते हो, गिरा देते हो, और जो जिसको बिल्कुल केसेस है वो उसको अपनी मशीन में ले जाते हो, मोदी वॉशिंग मशीन में धुलवा देते हो, और फिर उसको कोई केस नहीं बनता है, ऐसे कैसा हो सकता है? तो ये पहले तो बेमिसाल खंडन करती हूँ। और 9 सवाल का मैंने आप सबको एक पत्रिका दी है। सबसे पहला सवाल है कि भी हमारी अर्थव्यवस्था कितनी इतनी कमज़ोर कर दी आपने, और महंगाई और बेरोजगारी क्यों इतनी बढ़ गई है? दूसरा सवाल था कृषि और अपने किसान पे, कि किसान की इतनी बदहाली कर दी, 3 काले कानून आप लेके आए। अगर आप सबने संसद देखा होगा तो बुलडोज 4 मिनट में 5 मिनट में आप बिल पास कर देते हो, आप किसानों की सुनते नहीं हो, किले ठुकवाते हो रोड पे कि भाई किसान चल ना सके, ट्रैक्टर ले जा ना सके, तो फिर वो कानून वापस लेने पड़े। तो वापस लेने के बाद आपने किसानों के साथ क्या बातचीत की है, वो हमारा दूसरा सवाल है, और कब से पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज ही पूछ रहे। तीसरा सवाल हमारा था भ्रष्टाचार और मित्रवाद पे, रोज़ पूछते हैं अदाणी को, रोज एक एयरपोर्ट दे देते हो, रोज़ कोई जगह देते हो, क्या ये संपत्ति BJP ने बनाई थी? खुद की संपत्ति है आप, राष्ट्र की संपत्ति है, देशवासियों ने मिल के बनाई है, ये संपत्ति आप बेच रहे हो और अपने मित्र को दे रहे हो, और एक ही मित्र, दो ही मित्र हैं आपके पास, क्या और कोई को आप सरकारी जो हमारी संपत्ति है वो नहीं बेच सकते? तो ये कौन सा मित्रवाद है? उसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो ये कैपिटलिज्म और क्रोनीज़म क्या है? और चौथा सवाल हमारा था चीन की पे चुप्पी है, आप झूला झूलते हो अहमदाबाद में बुला के साबरमती नदी पे, पर चीन का नाम क्या नहीं बोल सकते, ना नहीं बोल सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं बोल सकते, चीन के साथ 18 बार मिले हो जाके, एक बार भी आप चीन की बात नहीं कर रहे हो। पांचवा सवाल था हमारा सामाजिक सद्भाव की, कि जो सामाजिक सद्भाव है कहाँ है बताइए? आपने एक बार भी कहीं भी कोई भी इंसिडेंट हुआ आपने बोला दलितों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, SC ST की बात की, आप कभी बात करते हैं इन लोगों की? ये सारा फैब्रिक में सबका एक एक गुना हुआ फैब्रिक है, तभी इंडिया बना हुआ है।
छठा सवाल था हमारा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, क्या आप जस्टिस दे पा रहे हो सबको, सबको एक समान रख सकते हो आप। और आपका हमारा सातवां था कि आपने सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं को कमजोर कर दिया है, पर बोलते नहीं हो इस पे, ऐसा क्या है कि आपने इतनी कमजोरी डाल दी है पूरी सिस्टम में। और आठवां था जन कल्याण की योजनाएं, जैसे मनरेगा आपने कटौती कर दी है बजट में, पूरा स्लैश कर दिया है। आप पूछो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो जवाब नहीं देंगे। हेल्थ का आपने कट कर दिया है, मनरेगा का कट कर दिया है, ऐसी कई जन कल्याण योजनाएं हैं जिसका बजट ही कम कर दिया है, तो बजट जाता कहाँ है। एमएसएमई को आपको बिल्कुल रीढ़ तोड़ दी है आफ्टर कोरोना। और नौवां था कोरोना मिसमैनेजमेंट, क्या वो एमएसएमई को आप दे रहे कोई पैकेज उनको खड़ा कर सकते हैं, उनकी रीट ठीक कर सकते हो, ये छोटे दुकानदारों की तुमको आपको चिंता है। ये सारे नौ सवाल हम पूछ रहे हैं, हमेशा ये सवाल बने रहेंगे जब तक वो जवाब नहीं देंगे। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।